नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं आपके साथ शिखा सैनी, एक नजर अब तक की खास खबर पर। तलहेड़ी बुजुर्ग बस स्टैंड अंतर्गत हर्षित ज्वेलर्स नामित दुकान पर दुकान मालिक सुरेंद्र वर्मा खाना खाने के बाद दुकान में जैसे ही आराम करने लगा, तभी अचानक दुकान के अंदर एक अजनबी व्यक्ति आया और इधर उधर देखने के बाद सुरेंद्र वर्मा का चार्जिंग पर लगा हुआ मोबाइल चार्जिंग से निकालकर दौड़कर अपने दूसरे साथी के साथ बाइक पर सवार होकर रफू चक्कर हुआ। दुकान मालिक सुरेंद्र वर्मा ने जोर जोर से चिल्लाकर उनका पीछा किया, परंतु जब तक वो फरार हो चुके थे। इससे पहले भी मोबाइल चोरों ने शहीद पंचर वाले की दुकान से भी मोबाइल पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदात पर वारदात अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है कि कहीं बड़ी घटना न घट सके। रवि कश्यप के साथ कुलदीप कश्यप की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या हुआ था जो कल आपके साथ? मैं तो 2-2.5 बजे करीब खाना खा के लेटा था, मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था। जैसे ही मैं लेटा तो एक लड़का आया, अब उसने सोचा सो रहा है, जैसे उसने चार्ज से निकाला मोबाइल, मेरी आँख खुली एकदम, अब वो एकदम भाग गया। मैं उसके पीछे बाहर तक भागा, चोर चोर करता उसके साथ में। अब वहाँ पे आगे 6-7 दुकान बाद मोटरसाइकिल पे एक और खड़ा था साथ ही, स्टार्ट करेंगे उसे बैठा के लेकर भाग के चले गए। हमने बहुत रुक के चार्ज लेकिन वो चला गया। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।